ये भी गया। कार्तिक आर्यन की ये मूवी भी शायद फ्लॉप ही हो जाएगी, क्योंकि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही खराब है। उनकी लास्ट जो दो मूवी वो भी उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी। पहले शहजादे उसके अराउंड 22-25 करोड़ इंडिया से नेट कलेक्शन किया था, उसके बाद सत्तर प्रेम की कथा जिसने 44 करोड़ के इंडिया से कलेक्शन किया था। उनकी लास्ट जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो है भूलभुलैया 2 जिसने अराउंड 244 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। लेकिन चंदू चैंपियन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे इसको सिर्फ 8000 के आसपास शो मिला है। और इस मूवी ने आपका पहले दिन का जो एडवांस बुकिंग था उसे था 1 करोड़ 18 लाख। तो सोचिए क्या करेगा, 1 करोड़ 18 लाख के अगेंस्ट में इस मूवी ने कलेक्शन किया था डे वन में 4 करोड़ 75 लाख, और इस मूवी का ओवरसीज से कलेक्शन था आपका 2 करोड़। तो 4 करोड़ 75 लाख को अगर आप ग्रॉस करते तो होता है आपका 5 करोड़ 20 लाख, और ओवरसीज से 2 करोड़ आया, सिर्फ 2 करोड़, टोटल होता है आपका 7.20 करोड़। और इस मूवी का बजट है अराउंड आपका 100 करोड़। तो पहले दिन में अगर कोई मूवी सिर्फ 4 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करता है तो आपको लगता है कि ये मूवी और रिकवर कर पाएगा? कितने जा सकते हैं, कितना वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, मतलब आसमान जमीन एक कर दे फिर भी ये मूवी कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएगा। मेरा प्रेडिक्शन है शायद 44 करोड़ की या 45 करोड़ या मैक्सिमम 50 करोड़ तक कलेक्शन करता है, क्योंकि 27 जून को काल की रिलीज हो रही है, तो सिर्फ 14 डेज है इस मूवी के पास, और इस मूवी का पहला दिन का कलेक्शन 4.75 करोड़। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, देखिए इसके पहले आप थोड़ा ऑक्यूपेंसी जान लीजिए तो समझने में आसान होगा। लास्ट डे यानी डे वन में आपका मॉर्निंग शो में ऑक्यूपेंसी था 8.63% और आज ऑक्यूपेंसी है 8.26%, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, आज थोड़ा कम है, सॉरी कल फर्स्ट डे में तो थोड़ा ज्यादा ही होना था। और फिर आपका जो है आफ्टरनून शो में 12.79% कल ऑक्यूपेंसी था और आज है 17.74%, काफी अच्छा हुआ है। कल का जो इवनिंग शो था उसका ऑक्यूपेंसी था 16.48%, तो आज का ऑक्यूपेंसी है 24.26%, और नाइट शो में कल ऑक्यूपेंसी था 29.47%, तो आज अराउंड 38% के आसपास इसका नाइट शो में ऑक्यूपेंसी। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी, देखिए आज इस मूवी का जो मेरा प्रेडिक्शन है ये मूवी अराउंड 7 करोड़ के आसपास कलेक्शन करेगी। तो दो दिन मिला के इस मूवी का कलेक्शन होगी अराउंड 12 करोड़ के आसपास, और संडे में फिर भी वही 8-9 करोड़ या 10 करोड़ पकड़ के चलिए फिर भी होगा 22 करोड़। तो पहले 3 दिन में अगर कोई 22 करोड़ कलेक्शन करती है तो इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन मैक्सिमम 50 करोड़ से आसपास ही हो सकता है। तो ये मूवी भी आपका कार्तिक आर्यन का फ्लॉप ही होने वाला है, क्योंकि इस मूवी का हाल बहुत ही खराब है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।